right, so we are at the top of Bhuj. We are at the Bhujia Fort. देखो सारो छे सारो. चेक इन हम लोगों ने कर लिया है. आई एम स्टेइंग इन अ भुज ऑफ कोर्स. और वक्त हो चुका है 5:30. तो मुझे जाना तो है आसपास कोई जगह देखने, लेकिन मैं आपको जल्दी से क्विक टूर दे दूँ रूम का. रूम वही चीज़ है, सेम, कुछ खास नहीं है, लेकिन इट्स चीप, इट्स इन बजट. सो ये डोर है, 203 नंबर है. टीवी है, बेड है, सिंगल बेड है, बैग है. यहाँ से ये व्यू है, ये मेन रोड. और यहाँ टॉयलेट है. टॉयलेट इज़ प्रीटी ओके. अब स्विच ऑन करके क्या दिखाऊँ, इट्स फाइन. एंड दिस इज़ मी. एंड गेस आई एम पेइंग 400. सो इट्स प्रीटी चीप. ऑलराइट, सो इसी के साथ साथ चलो नीचे चलना है, क्योंकि मुझे एक भूख भी लग रही है. मैंने लंच नहीं किया प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो चलो. और अगर कुछ घूमने की जगह मिली तो वहाँ भी घूम लेंगे. वो अच्छा है देखने जैसा. okay. यहाँ पे इसका संसद भवन का रेप्लिका बनाया हुआ है. किसका? संसद भवन का. रिजोड़ी गांव, ये जो आप बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर दूर. वो अच्छा है देखने जैसा. और हीरा लक्ष्मी क्राफ्ट पार्क है, वो दोनों एक ही आस पास है. हाँ, पास पास में है. इधर मांडवी है, दरिया किनारा, सी बीच है. ओके. वो भुज से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है. ओके. और ये विजय विलास पैलेस है. काफी मूवीज का शूटिंग भी इधर हुआ था. हम ले चुके सनम, लगान. वो इधर हुआ था. ओके. वो अच्छा है देखने जैसा. ये भुज से 100 किलोमीटर दूर माता का मठ पड़ता है. हाँ, ये तो मैंने सुना है. आसापुरा माता का मंदिर है. ओके. यहाँ से प्लस 60 किलोमीटर नारायण सरोवर है. अपनी हिंदू संस्कृति में जो 5 सरोवर बोलते हैं, पुष्कर है, नर सरोवर है, उसमें से एक ये है. सरोवर तो छोटा सा है, लेकिन रिलीजियस बिलीफ है. कार्तिक महीना चल रहा है. कार्तिक, हाँ. तो उसमें काफी लोग पितृतर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए काफी लोग आते हैं. उससे 3 किलोमीटर दूर ये कोटेश्वर है, दरिया किनारे पे शंकर भगवान का मंदिर है. अगर हम कोटेश्वर जाते तो नारायण सरोवर पास में ही है. ऑन द रूट ही आएगा, माता का मठ आएगा पहले, बाद में नारायण सरोवर प्लस कोटेश्वर, 3 किलोमीटर. और मैंने सुना यहाँ से कराची दिखता है कोटेश्वर से. नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन वहाँ से तो काफी दूर है वैसे. लाइटिंग मतलब ये इंडिया का फिर वो लास्ट पॉइंट होता है. इसके आगे वो इंडिया ब्रिज करके एक है इधर कहीं पे, वो इस साइड आता है. अच्छा, इधर पे कहीं भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आता है जहाँ जा सकते? लैंड टू लैंड बॉर्डर टच नहीं होता है कहीं भी. नहीं, बाकी ये वो पूरा सी बीच आता है, या तो फिर वो दलदल जैसा रहता है. तो भाई साहब, अभी मामला हो गया डाउटफुल. क्यों हो गया? क्योंकि जैसा मेरी भाई साहब से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि जो वाइट रन ऑफ कच्छ है वो पानी भरा है. उधर पानी ड्राई अप नहीं हुआ. जनरली क्या होता है, बारिश जल्दी आती थी तो सूख जाता था पानी, तो नमक जो था वो रहता था, तो वो वाइट इस वजह से दिखता था. तो अभी बोल रहे हैं कि पानी पूरी तरीके से सूखा नहीं है. मतलब थोड़ा बहुत सूखा होगा तो सूखा होगा, क्योंकि बरसात इस बार देर से हुई. तो अब मेरे मन में डाउट हो रहा है. मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कल वहीं जाने का. अब दो ऑप्शन है अपने पास, या तो मैं कोटेश्वर जाऊँ और फिर सेम डे कच्छ चला जाऊँ, रन ऑफ कच्छ चला जाऊँ. पता नहीं, समझ नहीं आ रहा. देखते हैं, जैसा भी होगा अपडेट करता हूँ. सोच रहा हूँ अभी तक. गुड मॉर्निंग, वक्त हो रहा है 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो यहाँ आसपास एक जगह है तो वहाँ घूम के आते हैं. यहाँ पास में भुजियो फोर्ट करके है, तो मैं निकल रहा हूँ अभी और देखते हैं, थोड़ा ऊपर तक ट्रैक करते हैं और कैसा लगता है आपको बताते हैं, फिर मिलते हैं आपको. Hey guys, welcome back to my YouTube चैनल. स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है आई एम गज. आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हम हमारे तो नाम ही. फिलहाल एक और ट्रैक कर रहे हैं, छोटा सा, भुज के अंदर. हम लोग हैं भुज में और एक छोटा सा ट्रैक कर रहे हैं. यहाँ पे एक भुजियो फोर्ट है, उसी पे ट्रैक कर रहे हैं. और अगर आपको रास्ता मैं दिखाऊँ तो रास्ता कुछ ऐसा सा है. बाइक जो है हमने पार्क कर दिया उधर नीचे और माहौल कुछ ऐसा सा है. थोड़ा सा लेट हो गया, मैं उठ जल्दी गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में
मतलब सोचने में थोड़ा टाइम लग गया कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और बाकी सब बढ़िया है। बाकी ट्रैक चल रहा है, अभी अभी केवल अभी मैं 2-3 मिनट पहले पहुँचा हूँ, और ज़्यादा ऊंचा है नहीं, पर जितना भी है देखते हैं हाउ इट इज़, कैसा होगा। बाकी ठीक है यार, 10 बजे अपने को यहाँ से बाहर निकलना है, तो इससे पहले कि मैं चेकआउट करूँ मैं सोचा कि घूम के आ जाता हूँ जल्दी से। बाकी फिर राइड तो करनी है कच्छ तक, तो फिर देखते हैं। बाकी ज़्यादा हाइट है नहीं, लेकिन ठीक है यार, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बाकी शहर कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, देखो यहाँ से ऊंचाई से जो है ना शहर का मज़ा देखने का। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, लेकिन इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, और सामने है, ऊपर है चंदा मामा हमारे, और हम जा रहे हैं ऊपर टॉप तक। टॉप तक तो जाएंगे ना, इतनी ऊपर आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला व्लॉग भुजियो फोर्ट पे ही रखते हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोगों से बातचीत ज़्यादा हो और इसे ऊपर कर दूँ। मैं 360 लाना भूल गया यार, मतलब जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये सडन प्लान बना ना, और तो इस वजह से 360 लाना मैं भूल गया। पर मैं बोला कोई बात नहीं, हम इसका सुपर व्यू यूज़ कर लेंगे, और जगह बड़ी सही है यार, देखो देखा वो, देखो हाँ, चलो चढ़ते हैं ऊपर जल्दी जल्दी, सूरज को भी देखते हैं, वरना धीरे चलूंगा मैं, ऐसे चलूंगा तो। वाह वाह स्टनिंग, वो हो हो, वो हो हो, लुक एट, ओह माय गॉड, दिस इज प्रिटी प्रिटी एज हेल एज हेवन। ओके, एक वॉल वो जा रही है वहाँ से वहाँ, ये पुरानी है ये वाली, और एक ऊपर जा रही है। ऊपर चलें, चलो ऊपर चलते हैं। वाह, मैंने सोचा कि बैग से निकाल के कैमरा हैंडी रख लूँ, मतलब फ़ोन और चाबियाँ जो है बैग में डाल लूँ, वरना अननेसेसरी पंगे हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जानते ही हो। इतने में गला सूखने लगा, इसीलिए जब व्लॉग में बोलते बोलते जाते हैं ना तो थोड़ा तकलीफ़ रहती है। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा जल्दी आता था ना, मज़ा आ जाता था। चलो फिर मिलते हैं। ये चढ़ाई दिखानी थी, ये चढ़ाई देखो तो एकदम खड़ी चढ़ाई है, ये देख के मुझे हरिहर फोर्ट याद आ गया, एकदम खड़ी चढ़ाई है देखो। चलो फिर, ये देखो, ओ बाबा, There were already few people. But it's a nice place, yeah. It's a nice place to hang out. You know, pretty cool, pretty decent. Wow. Okay. This looks fantastic. See this. So I'll show it to you.
क्या क्या लग जाता है जब ट्रैक करने आओ ना। ये देखो भाई, अभी तू मत जाना यार, थोड़ा सा चल जा बस। ओ शिट, ये देखो ये जा रहा है। ये पिछली बार मैंने इसमें गम लगवा के इसे जुगाड़ से सेट करा लिया था। ट्रैवलिंग शूज़ बहुत लाइट हैं इसलिए मैं कैरी करता हूँ। बच जा भाई, बच जा। बाकी बढ़िया यार, इधर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए लाइव भी गया था इंस्टाग्राम में। अगर आप लोग मेरे को फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम में, क्योंकि ये वीडियो 2-3 दिन डिले से आ रहे हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। जो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम लिंक है या प्रोफाइल है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो बस यहाँ बैठे हुए हैं, मज़े ले रहे हैं, और इट्स अ वेरी वेरी पीसफुल प्लेस यार। वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, वेरी नाइस। इधर से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो दिख तो जाएगा आपको, देख लो कुछ ऐसा है। ये है पेड़, ये देखो, दिस इज द टॉप आई गेस हाईएस्ट पीक इन द भुज। और ये देखो, ये वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप है। ये देखो यहाँ से ऐसा शुरू होती है, ये देखो ऐसा शुरू होती है। चाइना में एक ही वॉल होगी, बट इंडिया के अंदर वॉल ही वॉल है। मतलब हद हो गई है वॉल की, मतलब बहुत है। क्योंकि किला रहा होगा, फोर्ट, ऑब्वियसली फोर्ट था, बट फोर्ट इस तरफ था या इस तरफ था, सवाल मेरा ये है। अच्छा भाई, वैलिड क्वेश्चन। हाँ यार, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। आई गेस अंदर साइड ही था, क्योंकि ये देखो बावड़ी बनी हुई है, वेल बनी हुई है, तो दिस शुड बी कवर्ड ऐसा ऐसा ऐसा। क्योंकि देखो अगर इसे आप देखोगे, वो देखो उधर तक जा रहा है, उसके बाद हो गया। वो देखो, नहीं यार सॉरी, आई डोंट नो, बीटिंग अराउंड द बुश। तो बस इधर बैठे हैं, अभी निकलते हैं। चलो फिर लेट्स गो डाउन। मज़ा आ गया भुजियो फोर्ट में, भुज का टॉप, भुजियो फोर्ट। इसी के साथ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और क्या बोलूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बस। और क्या कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता आप लोगों से। ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई है ना, यही बोलोगे। फ़िलहाल चलो एक फ़ाइनल लुक आपको दिखा देते हैं हम, चाहिए तो ये देख लो। ठीक है, अब नीचे उतर रहा हूँ, जल्दी जल्दी नीचे उतरूँगा, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं और चेकआउट भी करना है, पैकिंग भी करनी है। पैकिंग तो है ही। चलो फिर इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। सो माई फ्रेंड्स, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट। गुड बाय। करने का रास्ता कुछ ऐसा है, चढ़ाई एकदम सीधी है भैया। चलो मैं बोला दिखाई दूं। ये देखो, बहुत संभल के उतरना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम ये स्ट्रेट है सीढ़ी, अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा। और अब फोर्ट देखो दिख रहा है। ओ हो, क्या रोशनी है, गोल्डन लाइट।